वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की अगली वीडियो। ये वीडियो है के मैप के थ्री वेरिएबल पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि के मैप थ्री वेरिएबल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और इसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है के मैप। इसके टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल और फोर वेरिएबल क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो इसीलिए इसको सीख लीजिए क्योंकि आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को लाइक करिए और अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत काम की है और आपको जरूर पसंद आएगी। तो आइए आपको बताते हैं कि के मैप थ्री वेरिएबल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो ये आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे दो क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं, तो ये आपके के मैप के थ्री वेरिएबल क्वेश्चंस। और थ्री वेरिएबल है तो नंबर ऑफ बॉक्स कितने बनेंगे, y बराबर 2 की पावर 3, मतलब 8 कॉलम आपके, 8 बॉक्स आपके बनेंगे के मैप के, 8 बॉक्स आपके बनेंगे। तो ये देखिए, काउंट कर लीजिए, 4 और 4 8 बॉक्स आपके बने हुए हैं। तो के मैप थ्री वेरिएबल के बॉक्स बनाने का सही तरीका देख लीजिए। तो ये देखिए, ये आपका एक साइड पे आप लिखेंगे ए और एक साइड पे लिखेंगे बी और सी। तो जैसे कि आपने टू वेरिएबल में किया था तो पहले ऊपर क्या लिखा है, ए बार फिर ए, उसी तरह जैसे उसमें लिखा था पहले बी बार लिखा था फिर बी लिखा था, तो इसमें जो तरीका होगा वो बी बार सी बार, फिर अगला होगा बी बार सी, फिर होगा बी सी और फिर बी सी बार। तो ये तरीका होगा के मैप का थ्री वेरिएबल का बॉक्स बनाने का। तो फिर से देख लीजिए, ए और बी सी, ये आप इस तरीके से लाइन खींच के लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे ए एक साइड लिखेंगे बी सी। तो उसके बाद फिर सबसे ऊपर में ऊपर के कॉलम में पहले कॉलम में लिखेंगे ए बार फिर ए, फिर अगले में आप लिखेंगे ऊपर में बी बार सी बी सी और बी सी बार। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, अगर आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने आपको बताया है कि जितने भी आपको क्वेश्चन दिए हैं इसके जो भी वेरिएबल है जहां पर आपके कॉलम में आ रहा है, बॉक्स में आ रहा है, उसमें हम लोग 1 लिख देंगे और बाकी जहां पे भी बाकी रहेगा कॉलम वो सब 0 हो जाएगा। तो देखिए, ए बार बी सी कहाँ पे है, ए बार ये है, बी सी कहाँ ये है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। फिर ए बी बार सी ये है, ए आपका ये है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। फिर आपका ए बी बार सी बार है, तो ए बी बार सी बार कहाँ है, देखिए ए आपका ये है, बी बार सी बार ये है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर ए बार बी सी बार, ए बार ये है, बी सी बार आपका लास्ट में है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। तो बस अब उसके बाद हमने पेयरिंग कर दी, तो देखिए एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना। अब ऊपर से हमने अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, इधर से देखिए ए बार आएगा कॉमन, और इन दोनों में कॉमन क्या है, बी सी और बी सी बार में बी कॉमन है, तो क्या आ गया ए ए बार बी। और नीचे में देखिए, ए नीचे से ए कॉमन है और ए और बी बार सी बार, और बी बार सी में कॉमन क्या आएगा, बी बार, तो इसमें कॉमन आया बी बार, तो आपका आया ए बार बी प्लस ए बी बार। तो ये आपका आंसर आ गया। देख लीजिए, इतना लंबा आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, आपने कितनी आसानी के साथ के मैप के जरिए इसको सॉल्व कर लिया। ये बहुत ही इजी तरीका होता है के मैप, ताकि आप जल्दी जल्दी एग्जाम में सॉल्व कर पाए, वरना आपको काफी टाइम देना पड़ेगा इस तरीके के बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में। तो ये अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार ए बी सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी। तो क्वेश्चन आपका इतना लंबा दिया हुआ है। अब देखिए, बूलियन एक्सप्रेशन में जो भी क्वेश्चन दिया है वो जगह पे हम लोग 1 लिख देंगे, बाकी 0 रहेगा। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, बॉक्स बनाने का तरीका देख लीजिए, पहले ए बार आएगा फिर ए फिर बी बार सी बार बी बार सी बी सी और बी सी बार। ये आपका तरीका है, अगर आपने ये सीक्वेंस चेंज कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो देख लीजिए, ए बार बी बार सी बार हमने 1 रखा, फिर ए बी बार सी बार में 1 रखा, फिर ए बी सी ए ये है बी सी ये यहाँ 1 रखा, फिर ए बी सी बार यहाँ पे 1 रखा, फिर ए बार बी बार सी देखिए ये वैल्यू यहाँ पे 1 रखा, फिर ए बार बी सी यहाँ पे हमने 1 रख दिया। अब देखिए, हमने 3 पेयर बना दिए हैं। ये देखिए पेयर आपका कुछ इस तरह बना। तो
तो ये तीन पेयर देखिए, इसमें कॉमन क्या आया, इसमें जाया बी बार सी बार, और ए बार और ए में कोई कॉमन नहीं है, तो खाली कॉमन हमारा आएगा बी बार और सी बार। और फिर इसमें देख लीजिए, इसमें ऊपर से पहली रो में कॉमन है आपका ए बार, और बी बार सी, और बी सी में कॉमन आएगा सी, तो हमारा आया ए बार सी। और इसी तरह नीचे देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा बी, और नीचे की रो में आएगा ए, तो आ गया ए बी। तो इस तरह हमारा आंसर जो आया वाई इक्वल टू बी बार सी बार प्लस ए बार सी प्लस ए बी, तो ये आपका आंसर निकल के आया। तो देखा आपने कितना आसान था थ्री वेरिएबल क्वेश्चन को सॉल्व करना के मैप के जरिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और अब आगे से आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।